यहाँ प्रवेश हुआ है तो उस वजह से मैं भी अभी बीटीपी की पाठशाला को और कक्षा को पूरी तरह से कौन कहा है, कौन हेडमास्टर है और कौन मॉनिटर है और कौन कक्षा अध्यापक है अभी समझ नहीं पाया हूँ। तो इसलिए सभी के नामों से भी पूरी तरह से मैं व्यक्तिगत रूप से परिचित नहीं हो पाया हूँ, इसलिए मंच पर विराजमान बाकी समस्त महानुभावों से क्षमा चाहता हूँ। ज्यादा समय नहीं लूंगा क्योंकि हम सुनना चाहेंगे हमारे जो आदिवासियों की आवाज बनकर के उभरे हैं उन मेहमानों को हमारे बीच में हम सुनना चाहेंगे। देर सवेर हमारी आवाज भी आपके बीच में अवश्य कभी कभी गूंज सुनाई देगी। आज मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं मैं भी इस विचारधारा से नया जुड़ा हूं और मुझे लगता है मुझे कुदरत ने खींच करके इस विचारधारा से जोड़ दिया है क्योंकि मैं कोई बांसवाड़ा के लिए या डूंगरपुर के लिए या पूरे उदयपुर संभाग के आदिवासी भाइयों के लिए कोई अपरिचित शख्स नहीं हूं और विचारधारा मेरी भी प्रारंभ से आदिवासियों के हक अधिकार अस्तित्व को लेकर के अपना सब कुछ समर्पित करने की रही है। बीटीपी जो एक नई नवेली राजनीतिक पार्टी के रूप में उभर करके आई है और जिसने आते ही पूरे राजस्थान में एक धमाका कर दिया है उसकी विचारधारा से मेरा काफी हमारे ये मंच पर विराजमान है इन साथियों से कई बार वैचारिक संघर्ष हो चुका है, टकराव हो चुका है और उस टकराव के बाद मैं इस विचारधारा में समझ लीजिए कि एक नई जिस तरह से समंदर में बहुत सारी नदियां मिल जाती हैं उसी तरह से इस बीटीपी की विचारधारा में एक नई सरिता के रूप में मेरा भी इसमें मिलन हुआ है और मेरा मानना है कि मुझे अभी जिस तरह से हमारे फतेह सिंह जी देवदा कह रहे थे कि भाजपा हो चाहे कांग्रेस हो आदिवासी उनके लिए सिर्फ और सिर्फ सत्ता की सीढ़ी तक पहुंचने सत्ता के सिंहासन तक पहुंचने की एक सीढ़ी के रूप में आदिवासी को आज तक इस्तेमाल किया जाता रहा है और उस सिंहासन पहुंचने पर पहुंचने के बाद में उस सीढ़ी को फेंक दिया जाता है। हमने इस बात को बहुत करीबी से महसूस किया है और मुझे इस बात का बड़ा हर्ष है कि समय रहते और मेरे पास में अभी काफी उम्र है मुझे बुढ़ापे में बीटीपी में नहीं आना पड़ा, जवानी में मैं बीटीपी में आ गया हूं। इससे बड़ा अरे कमलकांत जी संघर्ष कराओ, हम तुम्हारे साथ हैं। कमलकांत जी संघर्ष कराओ, हम तुम्हारे साथ हैं। और समय रहते मुझे पहली बार हार हो या जीत हो लेकिन बीटीपी का इतिहास जब तक जब जब उसका याद किया जाता रहेगा। हम उन लोगों में से हैं जो पहली बार बीटीपी के प्रत्याशी बनकर के चुनाव लड़े। बागीवाड़ा विधानसभा
क्षेत्र से और पूरे आदिवासी क्षेत्र से हम बीटी में कई उम्मीदवार लड़े। हमें बड़ा हर्ष है कि हमारे दो उम्मीदवार जीते, लेकिन हम मानते हैं कि हमने पूरा आदिवासी क्षेत्र फतह कर लिया, हम मानते हमने पूरा देश फतह कर लिया। और ये जो दो हमारे शेर जीत करके विधानसभा में पहुंचे हैं, आने वाले समय में कांग्रेस हो, भाजपा हो या अन्य कोई भी गैर आदिवासी दल हो, उन्हें समझ लेना चाहिए कि अनुसूचित क्षेत्र में, आदिवासी क्षेत्र में आने वाले समय में कांग्रेस और भाजपा का नाम लेने वाला कोई मिलने वाला नहीं है, कोई झंडा उठाने वाला नहीं है। आने वाले समय में आप सभी भाइयों बहनों का आह्वान करता हूं, हमारे बुजुर्गों का आह्वान करता हूं, युवाओं का आह्वान करता हूं कि यदि आप लोगों को आने वाले भविष्य में हमारे आदिवासी के इतिहास का कोई नया निर्माण करना है, तो तन मन धन से लग जाइए और कांग्रेस और भाजपा में जुड़े हुए हमारे आदिवासी भाइयों को भी एहसास करवा दीजिए कि वहां रह करके आप कांग्रेस और भाजपा का इतिहास बना सकते हो, लेकिन आदिवासी के इतिहास को मिटा दोगे तो मिटाने में सहयोग मत करो। आने वाले समय में आदिवासियों के इतिहास के निर्माण में सहयोग करो, कांग्रेस और भाजपा को छोड़ करके और बीजेपी के साथ में आ जाओ। ये हमारे सभी भाइयों को घर में जाकर समझाने की जरूरत है। आने वाले समय में वो समझेंगे और मन में विचार तो बहुत उभर रहे हैं, लेकिन मैं स्वयं हमेशा से वक्ता रहा हूं, समय की सीमा को समझता हूं, कम समय में कुछ ज्यादा बात कहने की इच्छा रखते हुए भी केवल इतना कहना चाहूंगा कि इन चुनावों में और बीटीपी के ऊपर भी कुछ लोगों ने सोशल मीडिया में और इस तरह से मीडिया भी कई तरह के सवाल करता है सामाजिक समरसता के, ये वो फलाना ढिमरा। मेरा कहना है कि ये नए नए शब्द आदिवासी को रोकने के लिए आप ढूंढ करके लाते कहां से हैं? अरे समरसता शब्द हमारे भाई अभी तो समरसता उनसे पूछते हो, अरे सदियों से सामाजिक समरसता जिनकी वजह से इस देश में बनी हुई है उनसे आप सामाजिक समरसता के प्रश्न पूछते हो, आपको शर्म आनी चाहिए। सामाजिक समरसता का उदाहरण अगर आदिवासी से पूछो, ये कमलकांत कटारा आपको सबसे श्रेष्ठ उदाहरण बताएगा कि सामाजिक समरसता कौन बिगाड़ रहा है और सामाजिक समरसता सदियों से किसने बना करके रखी है। मैं नौगांवा के पास का रहने वाला हूं, नौगांवा से 3 किलोमीटर लगभग दूर मेरे गांव से पार करके और मेरा एक और गांव है, उन दोनों गांवों के बीच में पाटीदारों की जमीन है। बरसों से वो पाटीदार भाई वो जमीन पर खेती करते हैं, 3 किलोमीटर दूर से उनकी कोई जमीन वहां दिखती नहीं है, कुछ भी नहीं, उस जमीन पर न बागड़ है न कोई, वो रखवा वहां छोड़ते हैं। बरसों से गन्ने की खेती करते रहे, चने की खेती कर रहे हैं, लेकिन हम आदिवासी जो उनके चारों के तरफ खेतों की तरफ रहते हैं उनमें से कभी ना वहां से एक गन्ना उखाड़ा हो या फसल का एक तिनका छुआ हो तो बता दें उससे बड़ी हमारे समाज और तुम हमें सामाजिक समरसता की बात करते हो, शर्म आनी चाहिए। और मैं बागीदौर विधानसभा से चुनाव लड़ा, मेरे घर और ये पाटीदारों के घर आमने सामने, सामाजिक समरसता की क्या बात करो, तुमने मुझे एक वोट नहीं दिया, मैं तुम्हारा पड़ोसी, अरे तुमने पड़ोसी धर्म नहीं निभाया, तुमने ये ख्याल नहीं किया कि विचारधाराएं लोगों की बदलती रहती है, आती रहती जाती रहती।
से अनुरोध करता हूँ कि आने वाले समय में कोई भी मीडिया का आदमी या कोई भी प्रश्न करे, इस संबंध में आप अपनी तरफ से कोई जवाब देने की जरूरत न समझे। सदियों से तुमसे प्रश्न करने का अधिकार हमारा है, बहुत सारे प्रश्न हमें तुमसे पूछने हैं और उनके जवाब तुम्हें देने हम मांगेंगे। तुम हमसे क्या प्रश्न पूछते, तुम हमसे क्या जवाब मांगते, तुम हमसे क्या सवाल करते हो। आने वाले समय में आप सबको उठ खड़ा होना है और इन प्रश्न पूछने वालों से प्रश्न पूछ के उनसे एक एक प्रश्न का जवाब हिसाब मांगना है। ये तुम तो कहते हो, बीजेपी कहती है 50 साल का हिसाब मांग रहे कांग्रेस वालों से। अरे तुम बीजेपी वाले 50 साल से, हम तुम दोनों से 50 साल में 50,000 सदियों का हिसाब मांगना चाहते हैं। तो साथियों, आने वाले समय में हमें इन सबसे हिसाब वसूल करना है और हमारा अपना इतिहास ढूंढना है और बनाना है, हमारा वजूद बनाना है। उस वजूद की लड़ाई है, ये हमारी कोई राजनीतिक लड़ाई नहीं है। पार्की जी, ये आदिवासियों की लड़ाई है। तो मुझे आपने अवसर दिया, आपके दो फोटो मुझे दे, फोटो खींचे मेरे पास। हाँ बिल्कुल, वीडियो पूरा मेरे पास। सारे रिकॉर्ड हम हुए हैं, उसके लिए हमें बहुत कुछ सुनना है। बिल्कुल ले लेंगे। और मैं आप सबका तहे दिल से धन्यवाद देना चाहता हूँ कि 12-13-14 साल की नौकरी करी और नौकरी करने के बाद में समाज की लड़ाई लड़ते हुए समाज के वजूद को कहीं ना कहीं दिखाने के लिए मैं भी राजनीति में आना चाह रहा था, लेकिन सौभाग्य मिला नौकरी छोड़ने के बाद एक पहला चुनाव या राजनीति में आने का कहीं अवसर मिला तो मुझे बीटीपी ने अवसर दिया। आप सबका एक बार पुनः आभार देता हूँ, व्यक्त करता हूँ। और साथ ही चूंकि हिंदी का प्रोफेसर रहा हूँ, इसलिए थोड़ी कभी कभी भाषा ऐसी बोल देता हूँ जो समझ में नहीं आ पाती, छोटी मोटी कविताओं की पंक्तियां या इस तरह से सुना करके हमेशा मेरी आदत रही है। तो आप सबसे यहाँ जो भी युवा है, जो भी भाई है, आप समझ लीजिए कि बीटीपी ने विपरीत परिस्थितियों में समाज की कमान थामी है और इतिहास वही बनाते हैं जो विपरीत परिस्थितियों में कमान थामते हैं, सुधारने के विपरीत चलते हैं। तो कहना चाहूंगा कि जिस वक्त जीना गैर मुमकिन सा लगे, उस वक्त जीना फर्ज है इंसान का। जिस वक्त जीना गैर मुमकिन सा लगे, उस वक्त जीना फर्ज है इंसान का। लाजिम लहर के साथ है तब खेलना, लाजिम लहर के साथ है तब खेलना, जब हो समंदर पर नचा तूफान का। जिस वायु का दीपक जलाना ध्येय हो, उस वायु में दीपक जलाना धर्म है। जिन मुश्किलों में मुस्कुराना हो मना, उन मुश्किलों में मुस्कुराना धर्म है। साथियों, आज पूरे देश में हम आदिवासी के सामने अस्तित्व का संकट खड़ा हुआ है और ऐसी स्थिति में सामान्य परिस्थिति में हर कोई लड़ता है, लेकिन इन परिस्थितियों में जो लड़ेगा वही समझ लीजिए आदिवासियों का सच्चा हितैषी है, वही शुभचिंतक है। और उस लड़ाई की जिम्मेदारी संभालिए बीटीपी ने। आप समझ लीजिए आज की तारीख में बीटीपी से बड़ा खेवनहार समाज का कोई नहीं है, केवल बीटीपी है। इसलिए जो सुनामी से संघर्ष करे, जो ज्वालामुखियों से नहीं डरे, जो भूकंपों में अपना वजूद बचाए रखे, वही सच्चा संघर्षशील है।